जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है और वहीं जगह जगह अधिकारी और प्रधान द्वारा लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। खबर जनपद अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर के ग्राम सभा सरैया कनुका है, जहां पर ग्रामीण रविंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान संजू देवी पत्नी बसंत लाल के ऊपर ग्राम सभा में वित्तीय अनियमितता व ग्राम सभा के सरकारी धन का गमन करने का खंड विकास अधिकारी संजय गुप्ता को एक शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्राथमिक विद्यालय कैंटी में टैलीकरण के मजदूरी मद का 3,66,078 रुपया अपना उत्तरोत्त व्यक्तिगत बचत खाते में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संग्रामपुर जनपद अमेठी में ले लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा कैंटी में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय के मजदूरी मद का 36,000 रुपया अपने व्यक्तिगत खाते में भुगतान गया है। नाली निर्माण की मजदूरी का 2,26,088 अपने ही खाते में ले लिया गया है। रविंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभा में 20 इंडिया मार्ग का 2 हेडपंप का फर्जी रिपोर्ट दिखाकर किया गया है, जबकि भौतिक रूप से किसी भी नल का रिपोर्ट नहीं हुआ है। ग्रामीण ने खंड विकास अधिकारी से मांग की है कि अनियमितता की जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं खंड विकास अधिकारी संग्रामपुर संजय गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जांच कराकर अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। कहाँ घर है आपका? सरैया कुनु। अभी आपके द्वारा वीडियो को एक लिखित शिकायत पत्र दिया, क्या मामला है, किस प्रकार शिकायत की? ग्राम प्रधान सरैया कुनु संजू देवी पत्नी बसंत लाल जी ने सरकारी जो कार्य कराए हैं उनका खुद अपने बचत खाते में पेमेंट लिया है। मजदूरों को कोई पेमेंट दिया नहीं गया। किन प्रकार, क्या क्या, कौन से पेमेंट हैं? सामुदायिक शौचालय का है 36,668 रुपये मजदूरी पेमेंट है, उसको उन्होंने अपने बचत खाते में ले लिया जी। टाइलीकरण किया है स्कूल में जी, उसका पेमेंट उन्होंने ले लिया है जी। नाली निर्माण कराया है 22,668 रुपये, उसका भी पेमेंट उन्होंने अपने खाते में ले लिया विरुद्ध है। इसकी शिकायत हम वीडियो साहब से करने आए हैं जी, और पूरा भरोसा है कि शिकायत की जांच होगी और नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी। आप और कहीं भी शिकायत किए हैं कि नहीं? अभी जिला अधिकारी महोदय को भी मैंने इससे अवगत कराया है। देखिए, हाथों हाथ पत्र दिए हैं या फिर जिला अधिकारी साहब को मैंने रजिस्ट्री किया है जी। और SDM साहब को कल मैं मिल के पत्र दिया हूँ और उन्होंने एक टीम गठित की है, तहसीलदार साहब, मैं तहसीलदार साहब, वीडियो साहब के संयुक्त टीम गठित की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है आपकी, गलत क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारी शिकायत की, ये प्रधान ने जो इस तरह तानाशाही करके सरकारी पैसे को अपने खाते में लेना शुरू कर दिया है और मजदूरों को एक पैसा पेमेंट नहीं दिया है, ये नियम विरुद्ध है, इसकी जाँच हो और इसके जाँच के पश्चात जो भी इसमें जांच दोषी नियुक्त होते हैं जी जी, उस पर कार्रवाई प्रधान के लिए ठीक। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।